हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट दो शांति दूत कपूत अभ्यास सॉल्व करते हैं। पहला अभ्यास है उच्चई बदत पट धातु लंग लकार। ये है पट धातु के लंग लकार भूतकाल रूप है। प्रथम पुरुष है ए पठत ए पठताम ए पठन। मध्यम पुरुष है ए पठ ए पठतम ए पठत। उत्तम पुरुष है ए पठम ए पठा ए पठम। सेकेंड एक्सरसाइज है विकल्प से उचित पद चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है काशी नगरे किम नाम राजा आसीत। काशी नगर में किस नाम का राजा था। आंसर है वीर सिंह। सेकंड वीर सिंह कस्मई अकुप्यत। वीर सिंह किससे नाराज हो गया। आंसर है सूर्य प्रकाशाय। देन थर्ड सिरस्त्राणे के संति सिर के टोप में क्या है। सिर के टोप में क्या है। आंसर है कपोत शावका कबूतर के बच्चे। फोर्थ वीर सिंह किम बिना युद्ध क्षेत्रम अगच्छत। वीर सिंह किसके बिना ही युद्ध क्षेत्र में चला गया। आंसर है शिरस्त्राणम सिर की टोप के बिना। फिफ्थ शांति दूत क अस्ति शांति दूत कौन है। आंसर है कपूत। देन थर्ड एक्सरसाइज है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट वीर सिंह मित्रता केन सह आसीत। वीर सिंह की मित्रता किसके साथ थी। वीर सिंह से मित्रता सूर्य प्रकाशेन सह आसीत। वीर सिंह की मित्रता सूर्य प्रकाश के साथ थी। सेकंड युद्ध दिने सह स्वमातरम किम अपृच्छत। युद्ध के दिन उसने अपनी माँ से क्या पूछा। युद्ध के दिन वीर सिंह ने अपनी माँ से पूछा हे अम्ब हे माता मम शिरस्त्राणम कुत्र अस्ति मेरे सिर का टोप कहाँ है। थर्ड कपोतः किम न इच्छति कबूतर क्या नहीं चाहता। आंसर है कपोतः शांति भंग न इच्छति कबूतर शांति भंग नहीं चाहते। फोर्थ माता केशाम नाशम न बांछति माता किसका नाश नहीं चाहती। आंसर है माता कपोत शाप का नाम नाशम न बांछति माता कबूतर के बच्चों का नाश नहीं चाहती। नेक्स्ट है सूर्य प्रकाश तम किम अप्रचत। सूर्य प्रकाश ने उससे क्या पूछा। सूर्य प्रकाश ने वीर सिंह से क्या पूछा। सूर्य प्रकाश तम अप्रचत केन कारणेन तुम शिरस्त्राणम न धारयसी किस कारण से तुमने सिर का टोप नहीं पहना है। फोर्थ अब है व्याकरण बोध का फर्स्ट। इसमें हमें वाक्यों को भूतकाल में चेंज करना है। पहला है एका व्याधः बनम गच्छति एक शिकारी बन को जाता है। इसमें जो गच्छति शब्द है इसे हमें भूतकाल में चेंज करना है। एका व्याधः वनम गच्छति का अगच्छत। सेकंड माता पुत्राय क्रुद्यति इसका है माता पुत्राय क्रुद्यति का बनेगा अक्रुद्यत। थर्ड नगरे वर्षा भवति भवति का बनेगा अभवत नगरे वर्षा अभवत। फोर्थ ते मिष्ठान्नम आनयन्ति इसका है ते मिष्टान्नम आनयन आनयन्ति का आनयन। फिफ्थ त्वम सत्यम बदसी त्वम सत्यम बदसी का अवदह। देन अहम पुस्तकम पठामी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ इसका है अहम पुस्तकम अपठम मैंने पुस्तक पढ़ी। अब है निर्देश के अनुसार लिखिए। इसमें हमें लिख हस और बल धातु के प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिखना है। तो फर्स्ट है लिख लिख का है अलिखत अलिखत अलिखताम अलिखन ये भूतकाल का रूप है। अहस अहस्तम अहसत फिर है लास्ट उत्तम पुरुष अवदम अवदाव अवदाम अलिखत अलिखताम अलिखन अहस अहस्तम अहसत अवदम अवदाव अवदाम। देन थर्ड एक्सरसाइज है उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। बने मुनि आश्रम आसित वन में मुनि का आश्रम था। हमें ऊपर बॉक्स दिया हुआ है हेल्प बॉक्स से हमें आंसर चूज करके फिल करने। फर्स्ट है बने मुने आश्रम आसीत वन में मुनि का आश्रम था। तत्र एक नृप आगच्छत वहां एक राजा आया। सह मुनिम अनमत उसने मुनि को नमस्कार किया। मुनिम तस्मै आशीर्वादम अयच्छत मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। नृप प्रसन्नम अभवत राजा प्रसन्न हो गया। स्व राजभवनम च अगच्छत और अपने भवन को चला गया। फर्स्ट में आसीत सेकंड में आगच्छत थर्ड में अनमत फोर्थ में अयच्छत फिफ्थ में अभवन एंड देन लास्ट में अगच्छत। देन फोर्थ एक्सरसाइज है विकल्प से उचित पद चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें फर्स्ट है पुत्र डैश प्रति गच्छति ग्रहस्य ग्रहम ग्रहे तो यहाँ पर प्रति के योग में आएगी द्वितीय विभक्ति तो आंसर आएगा ग्रहम।
पुत्र गृहं प्रति गच्छति। देन शिक्षक छात्राय अक्रोध्यत, यहाँ पर शिक्षक अक्रोध्यत, क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो छात्राय छात्रम छात्रे में से आएगा छात्राय। देन रामः सीतया सह वनम अगच्छत, सह के युग में तृतीय आती है, तो सीताया सीतया, इसमें आएगा बीच वाला सीतया। देन फोर्थ है मेधा शिक्षिकाम प्रश्नम पृच्छति, शिक्षिकया शिक्षिकात शिक्षिकाम, यहाँ से मेधा शिक्षिका से प्रश्न पूछती है। देन फिफ्थ बालः विद्यालये गुरुन अनमत, बालक विद्यालय में गुरु को नमस्कार, बालक ने विद्यालय में गुरु को नमस्कार किया, इसमें विद्यालय और विद्यालय में से आएगा विद्यालय। थैंक यू।